नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है ममिता सहनी कुकिंग चैनल में। तो आज फिर से हम नए रेसिपी के साथ आए हुए हैं। तो जी, हम बता देते हैं क्या रेसिपी लेकर आए हुए हैं। बसंत पंचमी स्पेशल मीठा चावल आज बनाएंगे, कि जो माँ सरस्वती के प्रिय है भोग, वही आज हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक पूरा बने रहिएगा आप लोग, वीडियो कहीं भी बीच में छोड़ के मत जाइएगा। जैसे मेरे वीडियो आप लोग की अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये ले लिए हैं चावल, पूरा बारीक वाला, छोटा छोटा है चावल हमारा। तो सबसे पहले हम गैस पर पैन चढ़ाते हैं पानी गर्म करने के लिए। उसको बाद से इसको हम धोएंगे। गैस पर चढ़ा लिए हैं पैन, इसमें हम पानी डाल लेते हैं। पानी डाल लिए, अब पानी में येलो फूड कलर डाल लेते हैं कलर के लिए। यहीं पर डाल कर इसको चला लेते हैं, ढक कर इसको गर्म होने देते हैं। तब तक हम चावल धो लेते हैं। आइए ढक देते हैं, चावल के हम धो लेते हैं। डालते हैं इसमें पानी, डालकर अच्छे से इसको दो पानी मल मल कर धो लेते हैं, पानी इसको छान लेते हैं। तो ये लीजिए, दो पानी चावल को धोकर छान लिए हैं। ये देखिए, थोड़ा इसको 2-4 मिनट के लिए हम ऐसा ही रख देते हैं। तब तक देखते हैं पानी को चेक कर लेते हैं। तो पानी देखिए बढ़िया से खोल गया है। अब इसमें हम डाल लेते हैं चावल को, यहीं पर इसको डालते हैं पूरा चावल को। पूरा चावल बढ़िया से डाल लिए। अब इसको हम चला लेते हैं, चला कर इसको कितना पकाना है वो भी बता देते हैं। 4 भाग में से 3 भाग चावल को पका लेना है, 1 भाग ऐसा ही कच्चा रहने देना है। चला लिए, इसको ढक लेते हैं हम, ढककर पकाते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं हटाकर। तो ये देखिए कितना बढ़िया चावल, पूरा 4% में से 3% पक गया है, 1% अभी बाकी है। तो गैस को यहीं पर बंद करते हैं, इसको उतारते हैं नीचे। एक लेते हैं हम ऐसा झारा वाला बर्तन, उसमें सारा चावल डाल लेते हैं। चावल को छान लिए, अब देखते हैं हम दूसरा स्टेप। तो गैस को पर कढ़ाई को चढ़ा लिए हैं, इसमें हम 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल लेते हैं। डालकर अच्छे से गर्म करते हैं इसको, बढ़िया से जो घी है अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसी में हम डाल लेते हैं थोड़ा काजू, 2 हरी इलायची, इसको बढ़िया से इसमें हम सुनहरा कर लेते हैं। तो ये लीजिए, काजू भी सुनहरा हो गया है। अब हम तुरंत जो चावल छान के रखे हैं वो हम डालते हैं इसमें। अब इसी पर हम डाल लेते हैं 1 कप चीनी, डालकर अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स। आप जितना मीठा पसंद करते हैं उतना आप डाल सकते हैं। ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा थोड़ा चीनी बढ़ाकर डाल सकते हैं, नहीं तो मीठा कम पसंद करते हैं तो थोड़ा चीनी की मात्रा कम आप डाल सकते हैं। तो एकदम से ना लो मीडियम है हमारा गैस। तो अच्छे से चला कर इसको थोड़ा सा ढक लेते हैं हम 2-3 मिनट के लिए। अब इसको ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। 4 मिनट बाद इसको फिर से हम चेक करेंगे। तो इसको हम 4 मिनट बाद चेक कर लेते हैं ताकर। तो ये देखिए बहुत बढ़िया से जो चावल है पूरा अच्छे से पक चुका है, दिख रहा है कितना अच्छा। तो गैस को यहीं पर बंद कर लेते हैं हम, इसको नीचे उतार लेते हैं।
तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा बसंत पंचमी स्पेशल मीठा चावल बनकर तैयार है। देखिए पूरा चावल के दाना दाना खिला खिला है। ये लीजिए, दिख रहे होंगे कितना अच्छा दिख रहा है, इतना टेस्टी लगता है कि पूछिए मत। जरूर भोग बनाकर चढ़ाइएगा आप सरस्वती माँ को। तो निकाल लेते हैं यहीं पर सभी को। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा पूरा बसंत पंचमी स्पेशल मीठा चावल बनकर तैयार है। देखिए तो हम आपको पास से दिखा देते हैं। और तो ये लीजिए, पास से दिखा रहे हैं, दिख रहा है कितना बढ़िया कितना अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। इसको देसी घी में बनाया जाता है, ज़रूर देसी घी डालकर बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। अगर दोस्तों बसंत पंचमी स्पेशल मीठा चावल आप लोग के रेसिपी पसंद आई होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मीठा चावल की रेसिपी आप लोग की कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।